सो गाइस आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बताएंगे कि अगर आपका फैन पे में अकाउंट है तो कैसे इसमें केवाईसी किया जाता है और कैसे इसमें कार्ड ऑर्डर किया जाता है। मेरा नाम है भूषण, आप देख रहे हैं परमन टेक। चैनल को सब्सक्राइब किए ताकि तरीके वीडियो को हमेशा मिलते रहे। हम आपको बता दें कि मेरा ऐसे ऐसे तो पहले से ऑलरेडी फैन पे में वीडियो है कि कैसे फैन पे यूज करते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और मेरा एक और अपकमिंग वीडियो आने वाला है कि फैन पे में अकाउंट में कैसे जो बैलेंस जुड़ा जाता है। तो आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप अपना केवाईसी कर सकते हैं फैन पे कार्ड का, ताकि आप जो है फैन पे कार्ड जो यूज कर सके। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। प्ले स्टोर से हम तो फैन पे एप्लीकेशन को ओपन डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसे हम लोग ओपन करेंगे। देखिए जो हमारा फैन पे एप्लीकेशन है हम लोग सीधा ओपन कर दिए। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक एक्टिव नाउ पर क्लिक कीजिएगा। एक्टिव नाउ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक्टिव योर अकाउंट 1 मिनट पर 1 मिनट में आप RBI द्वारा आपका जो अकाउंट है जो अप्रूवल हो जाएगा। अप्रूवल करने के लिए यहाँ पर देखिए एक लाख से अधिक इंडिया जो है ट्रस्ट है फैन कार्ड पे। इसके बाद आप एक्टिव नाउ पर क्लिक कर दीजिएगा। एक्टिव नाउ पर क्लिक करने के बाद इंटर जो आधार नंबर, आप अपना आधार नंबर डालिएगा जो आपका रजिस्टर होगा, जिस नाम से आपका अकाउंट होगा उस आपको आधार नंबर डालना होगा, ताकि उस पर जो OTP आएगा आपको ध्यान रहे कि वो अपना जो आधार नंबर डालेंगे वो रजिस्टर होना चाहिए आप मोबाइल नंबर से। तो हम यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे, आप लोग भी डाल लीजिएगा। डालने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको मिनिमम सेकंड लगेगा, इसके बाद आपको आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। OTP आएगा, जो आपका OTP डाल देना होगा। यहाँ पर OTP डालने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट मार देना होगा। देखिए जो हमारा जो OTP डालने के बाद देखिए हम यहाँ पर जो अपना सबमिट मार दिए हैं। सबमिट मारने के बाद देखिए आपको इसी करने के बाद सीधे आपको अगर आपको कार्ड को ऑर्डर करना होगा तो सिंपल से ऐसे आप कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा फैन पे में। फैन पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको ऑर्डर पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप अपना कार्ड को जो ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ से अपना ट्रांजेक्शन जान सकते हैं। हम आपको बता दें कि अगर आपको जानना होगा कि मेरा कार्ड नंबर क्या है तो इसको और स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। तो देखिए आप देखने वाली बात है कि आपको यहाँ पर कार्ड नंबर मिल जा रहा है और यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट और यहाँ पर CVV नंबर। यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको CVV नंबर मिल सकता है, हम पर आपको हम नहीं बताएंगे, नहीं तो आप मेरे जो अकाउंट का बैलेंस है निकाल सकते हैं। इस तरह से आप अपने कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए इसके बाद आपको ऑर्डर करना है तो इस पर ऑर्डर पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद देखिए यू आर करंटली वेट लिस्टेड, आपका जो कार्ड है जो ऑर्डर के लिए जो रिक्वेस्ट विदा कर दिया गया है आपको, अगर कार्ड आपका अप्रूवल होता है तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसे ओके कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप अपने अपना जो कार्ड है फैन पे का जो मंगा सकते हैं। वीडियो रख रहे थे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। हम आपको बता दें कि मेरा एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो हम आपको बताएंगे कि फैन पे में कैसे अपने अकाउंट में बैलेंस जुड़ा जाता है कि आसानी से, ताकि पैसा ट्रांसफर कर सके।